वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू यू ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट्स वीडियो में। आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल होने वाली है, जिसमें हम मंडे स्पेसिफिक लेवल्स और ट्रेड्स की भी बात करेंगे एंड इसके साथ साथ मार्केट का पोजिशनल ब्रॉड आउटलुक भी जानेंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता लग रही है मार्केट में अभी, कि जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका बायस अभी पॉजिटिव साइड है मंडे के लिए, वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका लॉजिक रीज़न आपको बहुत क्लियरली अभी वीडियो में समझ आएगा। ध्यान से पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, कुछ आपको नया भी सीखने को मिलेगा, तो ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखें। एंड सबसे पहले, चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले अगर आप डेली ऐसी वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं, पहले निफ्टी की बात करते हैं। देखो, निफ्टी में हमने डिस्कशन की थी कि हमारे लिए मार्केट में जो मेजर रेजिस्टेंस है ना, वो है 22,600। अगर मार्केट को सच में रैली को कंटिन्यू रखना है, थर्सडे एक बहुत गजब की रैली आई थी, तो अगर फ्राइडे भी मार्केट को बुलिश होना है तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी और फिर हमें निफ्टी में रैली देखने को मिलेगी। सिंपल डिस्कशन थी, लेकिन मॉर्निंग में मार्केट इसी लेवल पे स्ट्रगल करती है। ब्रेकआउट पूरे दिन में हमें इस लेवल का नहीं मिला है। अब कुछ लोग नए हो सकते हैं, उन्हें लगेगा यार यहाँ पे ग्रीन कैंडल तो है लेवल के अबव, तो ब्रेकआउट क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेकआउट में हमारे अकॉर्डिंग मार्केट ब्रेकआउट करती है दो कैंडल से, एक कैंडल जो लेवल को ब्रेक करती है और सेकेंड एक कन्फर्मेशन कैंडल कि हाँ भाई सच में लेवल ब्रेक हो रहा है, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल या एक और इसके बाद ग्रीन कैंडल जो ये कन्फर्म करती है कि हाँ मार्केट सच में इसी डायरेक्शन में मूव करने वाली है। तो वो कन्फर्मेशन कैंडल कभी भी नहीं बनी, लेवल से रिवर्सल आता है, फॉल आता है, फॉल में मार्केट सपोर्ट कहाँ लेगी ये आपको पता था। कौन सा लेवल है ये हमारा? 22,520। उसी लेवल पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है अभी तक, परफेक्टली मार्केट में लेवल्स पे काम हो रहा है। और एक और चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक और चीज़ हो रही है मार्केट में, मार्केट यहाँ पे लोअर हाइज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, पहला डिप आया बाउंस ये आता है, फिर डिप आया फिर बाउंस छोटा आता है, तो यानी मार्केट में लोअर हाइज बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक पहले से इंडिकेशन है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड जा रही है। सपोर्ट एक ही जगह था, लेकिन जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होगा, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको एक ट्रायंगुलर पैटर्न समझाया था, सेम उसी टाइप से ये भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न है जहाँ पे सपोर्ट तो एक ही जगह है लेकिन रेजिस्टेंस लोअर साइड शिफ्ट हो रही है। तो इसमें भी सेम सेटअप है, जिस साइड मार्केट ब्रेक करती है उस डायरेक्शन में मूव आता है, लेवल भी था वैसे ही और लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, ट्रायंगुलर पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ये सपोर्ट ब्रेक हुआ और फिर उसके बाद हमें कंटिन्यूस फॉल देखने को मिलता है। अब फॉल में एक चीज़ हमने डिस्कशन की थी कि 22,480 के आसपास एक बार आपको देखना है क्या मार्केट वहाँ सपोर्ट ले रही है या फिर मार्केट उस लेवल को डायरेक्टली ब्रेक कर देती है। एक बार आप सपोर्ट से बाउंस प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी रेड कैंडल बनती है और डायरेक्टली हम लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर आपको यूज़ करना है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और फिर कंटिन्यूस फॉल आएगा मार्केट में, और वही फॉल हमें देखने को मिला। तो ओवरऑल सेटअप बहुत परफेक्ट था एंड ये लोअर हाइज का कॉन्सेप्ट है, होप आपने इसे यूज़ किया होगा। एंड इसके अलावा भी सिंपल था, 22,520 अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो कंटिन्यूस फॉल आएगा, वही फॉल देखने को मिला और मॉर्निंग में रैली का कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि अपसाइड ब्रेकआउट हमें नहीं मिला। ठीक है, तो निफ्टी की इंट्राडे मार्केट थी, परफेक्टली सेटअप पे काम हुआ। बैंक निफ्टी की मार्केट देखेंगे तो वहाँ भी सिमिलर मूव्स देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में देखिए ओपनिंग, फिर से यहाँ भी हम रेजिस्टेंस पे ही थे, ओपनिंग में हाई कहाँ बन रहा है 48,625 पे, इस लेवल के अब ब्रेकआउट मिलेगा तो बैंक निफ्टी में रैली आएगी, यही डिस्कस किया था। यहाँ भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, तो सेम चीज़ थी, मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही अपनी रेजिस्टेंस पे ओपन हुए थे, दोनों ही वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और वहाँ से फॉल आता है और यहाँ भी फॉल हमारे लेवल तक आता है जो लेवल था 48,400। उसी लेवल के आसपास मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट लेती है, लेकिन फाइनली हम इस लेवल को कन्फर्मेशन के साथ ब्रेक करते हैं और नेक्स्ट टारगेट क्या था 48,165, वहाँ तक हमें फर्दर फिर फॉल देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट निफ्टी बैंक निफ्टी में सिमिलर मार्केट्स थी, सेम टाइप से लेवल्स पे काम हुआ है। मॉर्निंग में रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने रेजिस्टेंस ली, सपोर्ट लेवल जब ब्रेक हुआ तो मार्केट में फॉल आया, काइंड ऑफ ये ओवरऑल दिन था। लेकिन फ्राइडे का दिन हो चुका है, थर्सडे बहुत बड़ी रैली आई, फ्राइडे फिर से मार्केट में फॉल आ गया। लेकिन मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा कि मार्केट का बायस, बड़े प्लेयर्स का बायस पॉजिटिव साइड है। मैंने ऐसा क्यों कहा वो मैं थोड़ा आपको एक बार समझा देता हूँ, चार्ट्स पे एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज कुछ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है ऑप्शन चेन पे, तो इसलिए मैं पहले बात करना चाहूँगा ऑप्शन चेन की। चलिए ऑप्शन चेन पे आ जाए एक बार निफ्टी की, फिर सारी डिस्कशन करेंगे, पोजिशनली भी इंट्राडे भी सारी बातें करेंगे, लेकिन आप इम्पॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दो इसलिए पहले मैं ऑप्शन चेन को डिस्कस कर रहा हूँ।
अब सबसे पहली चीज़ तो क्या दिखती है मुझे ऑप्शन चेन पे, वीकेंड्स पे जनरली इतना ज़्यादा ओआई होता नहीं है जबकि कोई मंथली एक्सपायरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ओआई काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। बहुत जगह मुझे 1 लाख के अबव ओआई दिख रहा है, पुट साइड भी कॉल साइड भी। नॉर्मली नहीं होता ऐसा, आप लास्ट वीकेंड वाली वीडियो जाके देखना, आपको 70-80-60,000 ओआई देखने को मिल रहा था, लेकिन आज ओआई बहुत ज़्यादा, यानी पोजिशन ज़्यादा बनाई जा रही है। इसका एक मतलब तो ये है कि मार्केट में बड़े मूव आ सकते हैं। सेकेंडली, अभी मार्केट 22,420 पे क्लोज हुई है, इस लेवल पे क्लोज हुई है, तो 22,400 पे मुझे क्या दिखता है, कॉल की वैल्यू है 187, पुट की वैल्यू है 83। बहुत ज़्यादा गैप है यार, 22,400 के आसपास ही तो है हम। चलो पुट थोड़ा बहुत कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कॉल की वैल्यू पुट से डबल है, ऐसा क्यों है? हो सकता है एक स्ट्राइक पे हो रहा हो, लेकिन अगर मैं यही चीज़ 22,500 पे जाके देखता हूँ, 22,500 से हम 80 पॉइंट्स बिलो हैं, ठीक है, तो पुट की वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू 80 है, पुट की इंट्रेंसिक वैल्यू कि रियल में हम 80 पॉइंट्स तो डायरेक्टली डाउन है यहाँ पे, कॉल की इंट्रेंसिक वैल्यू 0 है, क्योंकि भाई कॉल को अगर रियल वैल्यू कुछ चाहिए तो पहले तो 22,500 जाना पड़ेगा मार्केट को, और उसके बाद जितना मूव आएगा वो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, लेकिन वहाँ से तो बहुत बिलो है। तो यहाँ पे कॉल की वैल्यू 22,500 पे काफ़ी कम होनी चाहिए पुट से, लेकिन 22,500 पे ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस है, यानी मार्केट में हमें तो प्राइस 22,420 दिख रहा है, लेकिन एज पर ऑप्शन चेन, एज पर डाटा, मार्केट को अभी 22,500 के आसपास होना चाहिए। कॉल एंड पुट की वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है 22,500 पे, इनफैक्ट कॉल की थोड़ी ज़्यादा ही है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा प्रीमियम दिख रहा है मार्केट में, एंड बड़े प्लेयर्स मार्केट को मंडे ऊपर ले जाना चाहेंगे एज पर ऑप्शन चेन डाटा ये पता लग रहा है। अगर आप एनालिसिस करोगे, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा पोजिशंस बनाई हुई है, ठीक है, कॉल राइटर्स ने भी, पुट राइटर्स ने भी, जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता लेकिन आज देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 22,500 जहां से मार्केट काफ़ी दूर है वहां पे करेंटली मार्केट को होना चाहिए, डाटा ये बता रहा है। अब कुछ लोगों को शायद इंट्रेंसिक वैल्यू में डाउट हो कि क्या होता है, ये मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। ये जो प्राइस निकलता है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, एक इंट्रेंसिक वैल्यू प्लस प्रीमियम, ठीक है, आप देखते होगे अभी इतना प्रीमियम है, अभी इतना प्रीमियम है, नॉर्मली देखने को मिलता है कुछ ना कुछ आप प्रीमियम पे करते हो कॉल और पुट में। इंट्रेंसिक वैल्यू होती है कि जो रियल वैल्यू है, मान लो मार्केट 22,450 है, तो 22,400 की जो कॉल होगी इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी 50, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट 50 पॉइंट्स अबव है इससे। अगर मार्केट एक्सपायरी में यहीं क्लोज होती है तो ये वाली जो कॉल है इसका प्राइस 50 पे एक्सपायरी में क्लोज होगा, ठीक है, एक्सपायरी वाले दिन ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ ना कुछ प्रीमियम होगा, तो हो सकता है 30 रुपीज़ प्रीमियम हो, तो करंट मार्केट में इसका प्राइस अराउंड 80 ट्रेड हो रहा होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है इंट्रेंसिक वैल्यू और प्रीमियम का। कॉल में देखते हैं कि ऑलरेडी मार्केट उस लेवल से जिसकी हम कॉल या पुट बाय कर रहे हैं उससे कितना ऊपर है, यहाँ पे 50 पॉइंट्स ऊपर थी तो इंट्रेंसिक वैल्यू 50 थी, अगर 22,550 है मार्केट तो इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 150 हो जाएगी। और सिमिलर पुट में अपोजिट देखते हैं, पुट में क्या देखेंगे, 22,500 की पुट का प्राइस देख रहे हैं अगर इंट्रेंसिक वैल्यू के लिए, और मार्केट है 22,400, तो कितना बिलो है 100 पॉइंट्स, तो इंट्रेंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू एक्सपायरी वाले दिन जिस दिन क्लोज होगी वो 100 होगी। इसके अलावा बाकी दिन प्रीमियम तो चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रीमियम रहता ही है आपको, तो ये इंट्रेंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो उसी के अकॉर्डिंग अभी क्या दिख रहा है कि भाई 22,500 होना चाहिए मार्केट को, तो कॉल एंड पुट साइड यही पोजिशन बनी हुई है। ऑलरेडी हम 22,500 से इतना नीचे हैं, फिर भी 22,400 पे पुट की वैल्यू कम है कॉल से, वो भी इतना ज़्यादा कम है, इतना बड़ा गैप नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बड़े प्लेयर किस साइड पोजीशन बना रहे हैं ये आपको होप इससे समझ आ गया होगा। अब डायरेक्टली डिस्कशन करते हैं कि भाई मंडे का क्या सेटअप है और वीकली पोजिशनली क्या दिखता है। पहले हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था वो मैं आपको बता देता हूं। देखो लास्ट वीक जब फॉल आ रहा था ना, सिंपल डिस्कशन थी हमारी, हम मार्केट में बुलिश हो चुके हैं, हमें रैली दिखती है और हमारा रैली में टारगेट होगा 22,480। यहाँ पे आपको अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है, ये मैंने आपको सिंपली कहा था। वहाँ तक परफेक्टली मार्केट आई और होप आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा। एक गज़ब की रैली देखने को मिली, ठीक है, जहाँ पे थे वहाँ से ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स की रैली देखी हमने मार्केट में। उसके बाद क्या हुआ, थर्सडे फिर से हम लेवल के अबव गए, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन नहीं मिली। फ्राइडे फिर से हम लेवल के बिलो आ चुके हैं।
ठीक है। तो ये तो लास्ट वीक सारी कहानी हुई, हमारी डिस्कशन क्या थी और उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या। अब नेक्स्ट वीक क्या दिखता है, नेक्स्ट वीक फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो होने वाला है वो है 22480। ये लेवल ट्रेंड डिसाइड करेगा नेक्स्ट वीक। अगर हम इसके अबव क्लोज हो जाते हैं फिर से तो मार्केट फर्दर बुलिश हो जाएगी, और अगर इसके बिलो क्लोज होते हैं तो मार्केट फिर से बेयरिश हो जाएगी। सिंपल क्लियर है, ये लेवल देखना है आपको नेक्स्ट वीक, क्या हम इसके अबव हैं या बिलो, ये लेवल सिंपली मार्केट में हमारे लिए निफ्टी में ट्रेंड डिसाइड करेगा पोजिशनली वीकली, ठीक है। अगर बुलिश ट्रेड्स बनाने हैं जब मार्केट इसके अबव हो तो बुलिश ट्रेड्स बनाना, और अगर मार्केट इसके बिलो क्लोज होता है तो बेयरिश ट्रेड्स बनाने। मंडे आपको देखना है क्या हो रहा है इस लेवल पे, क्या हम इसके अबव क्लोज होते हैं या बिलो, वही पूरे वीक का ट्रेंड डिसाइड करेगा। सिंपल क्लियर है निफ्टी का पोजिशनल सेटअप। बैंक निफ्टी में क्या, बैंक निफ्टी भी देखिए। पहली चीज़ हमने आपको बताया था भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है 47680। यहाँ से हमें रैली बाउंस बैक दिखता है, वो रैली आई भी, गजब की रैली आई, बहुत अच्छी रैली देख रहे हैं हम। रैली में जो हमारा टारगेट है वो ऑलमोस्ट 49,000 है, तो एग्जैक्टली टारगेट तो नहीं आया लेकिन काफ़ी अच्छी रैली हम ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स की तो देख चुके हैं मार्केट में। तो नेक्स्ट वीक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एक रेंज में काम करेंगे नेक्स्ट वीक। बैंक निफ्टी में ये रेंज होगी 47680 सपोर्ट, 49,000 रेजिस्टेंस, इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक काम कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में कोई वन साइडेड ट्रेंड हमें दिखाई नहीं देता है, दोनों साइड मूव्स आ सकते हैं। इस रेंज में बैंक निफ्टी मूव करेगा, सपोर्ट पे आपको बाय करना है और रेजिस्टेंस पे आपको सेल करना है। ये स्ट्रैटेजी आप बैंक निफ्टी में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पोजिशनल सेटअप हो गया ये। अब इंट्राडे की बात करते हैं कि भाई मंडे क्या करें, हो गई सारी कहानी, पोजिशनली क्या करना है जो पोजिशंस होल्ड करते हैं, लेकिन इंट्राडे क्या ट्रेड्स बनेंगे, एक दिन रैली आती है एक दिन फॉल आता है, होगा क्या मंडे, कौन से लेवल्स ट्रेड डिसाइड करेंगे, ट्रेंड डिसाइड करेंगे, वो एक बार देख लेते हैं। चलिए देखो, इमीडिएट रेजिस्टेंस 22480, उसके बाद 22520 इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद 22600। लोअर साइड सपोर्ट डायरेक्टली 22350 है, और उसके बाद 22260 लेवल। मंडे में लिए निफ्टी में इंपॉर्टेंट है 22430 फॉल के लिए। देखो ऑलरेडी मैं इसके 10 पॉइंट्स बिलो हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन चेन डाटा क्या बता रहा है कि मुझे इसके अबव होना चाहिए, तो मुझे दिखता है थोड़ी बहुत मार्केट में गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अगर मंडे हम 22430 को लोअर साइड ब्रेक करते हैं तो आपको फॉल के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। ओपनिंग पॉजिटिव दिखाई दे रही है, लेकिन ओपनिंग के बाद हो सकता है ऑप्शन चेन में पोजीशन बुक कर ले, पोजीशन चेंज कर ले बड़े प्लेयर्स, तो अगर डाटा ही चेंज हो गया तो उसके बाद फॉल आ सकता है। तो क्या करना है आपको वो सेटअप समझ लो एक बार। ओपनिंग थोड़ा बहुत ऊपर हो सकती है, और उसके बाद ओपनिंग के बाद बुलिश ट्रेड का बनाने वो डिस्कस करेंगे, लेकिन बेयरिश ट्रेड समझो। ओपनिंग के बाद अगर 22430 हम लोअर साइड ब्रेक करते हैं तो मार्केट में फॉल आएगा, ये लोअर साइड लेवल्स मेरे टारगेट होंगे। एंड अगर मुझे बुलिश होना है तो सिंपल है, 22480 मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है, बताया है मैंने आपको। ये लेवल अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करती है मंडे तो डायरेक्टली रैली, रैली में पहला टारगेट 22520, और अगर ये ब्रेक हुआ तो बड़ा टारगेट है 22600। तो अपसाइड तो सेम लेवल है, जो पोजिशनल लेवल है वही इंट्राडे लेवल है, ठीक है 22480। अगर ये ब्रेक होगा तो रैली आएगी, और अगर 22430 को लोअर साइड ब्रेक करते हैं तो मार्केट में फॉल आएगा। सिंपल क्लियर सेटअप है, ये रेंज है 22480 के अबव है तो हम बुलिश हैं, 22430 के बिलो हैं तो हम मार्केट में बेयरिश हैं। ये सेटअप कल आपको निफ्टी में फॉलो करना है, कल यानी मंडे आपको फॉलो करना है, ठीक है। फर्दर लेवल्स तो मैंने बताई दिए जो टारगेट्स होंगे। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में देखो लेवल्स क्लियर है, यहाँ पे 48165 इमीडिएट, उसके बाद 48400, उसके बाद 48625 जहाँ पे हाई लगा। इसके बिलो लेवल्स भी बता देता हूँ, 47940 से 48000 का जोन, एंड उसके बाद 47680 लेवल, ठीक है। ट्रेड कैसे बनेंगे, देखो यहाँ मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया काइंड ऑफ 48400 पे, तो ये अब ब्रेक हो चुका है तो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो फिर रैली आएगी, रैली में टारगेट 48625। सिंपल क्लियर। डाउनसाइड डे एंड में मार्केट ने सपोर्ट लिया 48165 पे, ये अगर लोअर साइड ब्रेक होगा तो बैंक निफ्टी में फॉल आएगा। सिंपल क्लियर है, एक सपोर्ट लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल है, जो ब्रेक होगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड डिसाइड होगा। रेजिस्टेंस ब्रेक होगी तो रैली, सपोर्ट ब्रेक होगा तो फॉल, और फर्दर लेवल्स हैं जो आपके टारगेट होने वाले हैं। सिंपल क्लियर सेटअप, होप क्लियर है। निफ्टी बैंक निफ्टी पोजिशनली भी बात कर ली, इंट्राडे भी बात कर ली, एंड इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
ऑप्शन चेन को हम देख चुके हैं, उस पर क्या पता लग रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। एंड ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है वो भी एक बार बता देता हूँ। चलो ये तो सारी बातें हो ही गई, लेकिन ऑप्शन चेन में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस 22,500 पे, क्लियर रेजिस्टेंस 240,000 हुआ है, कॉल साइड पुट साइड 160,000, तो एक अच्छा डिसेंट गैप है 80,000 का, तो रेजिस्टेंस 22,500, यहाँ तक मार्केट इजीली आ जाएगी, यहाँ स्ट्रगल कर सकती है। सपोर्ट की बात करें 22,400 पे ही सपोर्ट मिल जाता है। देखो यहाँ से मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ सपोर्ट है, क्योंकि एज पर मार्केट, मार्केट अभी ऊपर होनी चाहिए थी 22,400 से काफ़ी ऊपर, तो इसलिए यहाँ पे सपोर्ट है। 156,000 हुआ है पुट साइड, कॉल साइड 86,000, तो यहाँ भी 70,000 हुआ का गैप मिल जाता है, तो सपोर्ट है 22,400। अगर बड़ा फॉल आएगा तो वो इस लेवल के बिलो आएगा, बड़ी रैली इस लेवल के अबव आएगी। ये क्लियर कल के लिए मार्केट की रेंज है जो मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करेगी। होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, परफेक्ट सेटअप यहाँ आपको डेली बेसिस पर मिलता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।